भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और शुक्ल पक्ष की एकम को महाराष्ट्र में ताना पोला पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व आज की तिथि पर मनाया जा रहा है। इस दौरान बैलों की पूजा की जाती है। पोला का मतलब होता है बैलों का पूजन, श्रृंगार, सेवा और उनके प्रति आभार प्रदर्शन का दिन। इस दिन को महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह इस त्योहार के रंग नागपुर में भी देखने को मिले। महाराष्ट्र के पारंपरिक इतिहास में कृषि संस्कृति का पोला यह महत्वपूर्ण त्योहार है, जहां साल भर जिन बैलों की मेहनत पर किसान अनाज उगाता है, अपना ही नहीं तो पूरे देश का पेट पालता है। बैलों के उन उपकार की कृतज्ञता की याद नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हो, इसी उद्देश्य के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में विशेष रूप से ताना पोला का आयोजन किया जाता है, जहां उपराजधानी नागपुर में इस त्योहार के रंग बड़े ही रंगारंग तरीके से देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि नागपुर ऐसा शहर है जो सिर्फ देश के केंद्र में ही नहीं तो हर संस्कृतियों का केंद्र बन चुका है। जिस महत्व को ध्यान में रखते हुए नागपुर के कई संभागों में ताना पोला का मुख्य आयोजन किया जाता है, जहां विभिन्न वेशभूषाओं के साथ बच्चे लकड़ी से बने नंदी को लेकर आते हैं और तोरण में उनकी पूजा करते हुए ताना पोला का शुभारंभ होता है, जिसके बाद बच्चे घर घर जाकर अपनी बधाइयां लूटते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बोजरा बोला जाता है। बधाई के रूप में मिले चंद रुपए वरिष्ठों का वह आशीर्वाद होता है जो अक्षय जीवन की शुभकामनाएं देता है। इन्वेस्टर न्यूज के लिए मनीष टेमरी की रिपोर्ट।